नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबर। बिहार ने कार्यरत शिक्षकों के लिए केंद्र सरकार से मांगा वेतन। खबर को विस्तार से जानने से पहले, अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि शिक्षक और शिक्षा विभाग की खबरों से आप रहे अपडेट। आइए अब जानते हैं खबर को विस्तार से। बिहार ने केंद्र सरकार से सर्व शिक्षा अभियान में कार्यरत सभी शिक्षकों के वेतन भुगतान की स्वीकृति देने की गुहार केंद्र सरकार से लगाई है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा के बीच मंगलवार को लॉकडाउन के दौरान बिहार के शिक्षा व्यवस्था और उसकी गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। आपको बताते चले कि करीब 2 घंटे तक चली इस समीक्षा बैठक में बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने पुरजोर तरीके से ASA में कार्यरत सभी शिक्षकों के वेतन भुगतान की स्वीकृति केंद्रीय बजट में देने की मांग उठाई। श्री वर्मा ने कहा है कि 2019-20 में कार्यरत 2,77,000 में से 89,000 शिक्षकों के वेतन की स्वीकृति केंद्र से नहीं दी गई है। बता दें कि ASA में स्वीकृत शिक्षकों के वेतन में केंद्र राज्य का अंशदान 60:40 रहता है, जबकि अस्वीकृत होने की स्थिति में वेतन का पूरा भार राज्य को अपने संसाधनों से करना होता है। इधर श्री वर्मा ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया है कि 2020-21 के बजट में सभी कार्यरत शिक्षकों के लिए वेतन की स्वीकृति दी जाए। मंत्री ने बताया कि लॉकडाउन में घर घर जाकर चावल वितरण की जगह बिहार सरकार ने बच्चों के खाते में DBT द्वारा 151,48,00,000 रुपए का भुगतान कर दिया है। केंद्र सरकार यथाशीघ्र इस राशि की क्षतिपूर्ति करे। BC में BEP के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह, SPO रविशंकर सिंह और मंत्री आप्त सचिव अमित कुमार भी मौजूद रहे। इधर यह भी बताते चले कि बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने केंद्रीय मंत्री को विस्तार से राज्य में लॉकडाउन से स्कूल बंदी के बीच की गई शिक्षण व्यवस्था की जानकारी दी। कहा कि मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय का लाभ 6,00,000 बच्चे उठा रहे हैं। 20 अप्रैल से दूरदर्शन पर 9वीं एवं 10वीं की कक्षा के लिए 1 घंटे की पढ़ाई आरंभ है। मई के पहले सप्ताह से कक्षा 6 से 8 तथा 11वीं और 12वीं की पढ़ाई भी दूरदर्शन पर होगी। नए सत्र में बच्चों की किताब के लिए 511 करोड़ रुपए जारी करने की कार्रवाई की जा रही है। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि शिक्षक और शिक्षा विभाग की खबरों से आप रहे अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।